अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त हैदर फ्रॉम वर्ल्ड गोल्फ फोर्स से। दोस्तों, आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पपी फीडिंग सिंड्रोम। ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। मोस्टली जितने भी ब्रीडर हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, जब आपकी मदर डॉग पप्स वगैरह डिलीवर करती है, तो पहले 3 हफ्ते पपीज़ की लाइफ के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। और इसमें बच्चों की ना डेथ रेशो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसे कैसे कम कर सकते हैं और पपी की ज़िंदगी वगैरह कैसे हम लोग बचा सकते हैं? पपी फीडिंग सिंड्रोम का मतलब ये है कि बच्चे का सांस ना लेना, बच्चे की पोटी उकर जाना और उसकी अचानक से डेथ हो जाना, ये पपी फीडिंग सिंड्रोम कहलाता है। पपी फीडिंग सिंड्रोम एक ऐसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग जो अपने बच्चों की डेथ रेशो वगैरह को कम कर सकते हैं और इनकी सर्वाइवल चांस जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न होते हैं, हैपोग्लाइसीमिया, हैपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज की कमी। जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी वगैरह में, तो इंस्टेंट जो है वो मूवमेंट छोड़ देता है, ठीक है, वो हरकत वगैरह नहीं करता और उसके जिस्म में ग्लूकोज वगैरह की कमी होती है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं। तो जब भी जैसे ही पपी बाहर आता है दुनिया में, तो उसमें ना कमी होना शुरू हो जाती है पानी वगैरह की, ठीक है। आप देखते हैं कि पपी मूव नहीं कर रहा, उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो गया है, तो उस टाइम आपको चाहिए कि आप लोग फौरन बच्चे का टेम्परेचर लें और उसके बाद अगर तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, 88 है अपना, सॉरी 98 वगैरह 97 है, तो उसमें क्या है कि आपका जो पपी है उसने फ़ौरन से एक्सपायर हो जाना है कुछ ही टाइम में। तो आपको क्या चाहिए, आप उसके ऊपर बल्फ लगाएं, लाइट वगैरह का बंदोबस्त करें, हीट का बंदोबस्त करें, बच्चे को गर्म करें और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप जो है बच्चों को मदर फीडिंग स्टार्ट करवा दें। क्योंकि मदर फीडिंग से बच्चों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह मिलता है, बच्चों को ताकत मिलती है और ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं।